स्वागत है आपको YouTube चैनल पेनोवाइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरकॉम स्टॉक को लेके और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग को पता है हमारे YouTube चैनल पे जो हम लोगों ने अभी मेंबरशिप लाया है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग प्राइस मंथली 29 रुपीज़ से है। तो चलिए अभी यहाँ पे आरकॉम के बारे में अगर बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आगे हम लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 6 महीने से जो है हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आरकॉम ने जो है 6 महीने के अंदर अगर देखते हैं लगभग जो है 200% के ऊपर रिटर्न दिया है 6 महीने में। 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 0.80 पैसे के पास चल रहा था, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है 3.15 हो गया था। 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 0.85 के आसपास चल रहा था और 6 महीने के अंदर ही स्टॉक ने 3.30 के पास भी पहुंच गया। ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत जन ने जो है इसमें से अच्छा खासा रिटर्न भी लिया रहेगा। रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा लिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर 1 महीने से बात करते, 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 2.05 पैसा चल रहा था, उसके बाद अब देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। 1 महीने से स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यूअसली जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर्स को लॉस दे रहा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाया है कुछ दिन से, जहाँ पे हम लोगों ने आरकॉम स्टॉक के बारे में जितने भी अपडेट्स हैं और इसके जो ओनर है आरकॉम के, रिलायंस कम्युनिकेशन के जो ओनर है मिस्टर अनिल अंबानी जी, जितने भी अपडेट्स हम लोगों ने कोशिश की आपके साथ शेयर करने के लिए। और हम लोगों ने बताया भी है कि अगर आप प्रॉफिट में है तो आप हट सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। और क्योंकि ये पेनी स्टॉक है तो इसमें कोई मतलब अगर आपने छोटा मोटा अमाउंट पे लिया रहेगा या फिर जितने भी अमाउंट पे लिया रहेगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको वो सेल करके हटना चाहिए। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू था और हम लोग अभी देखते हैं तो 1 महीने से स्टॉक ने जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिया है। तो स्टॉक ऐसा कुछ मजबूती नहीं दिखा है, 1 महीने से कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। 5 डेज का बात करते हैं, 5 डेज में आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस 5 डेज पहले 1.50 पैसा चल रहा था, उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता है, क्यों स्टॉक में तेजी आया था रिलायंस कम्युनिकेशन और आरकॉम और रिलायंस जियो के डील के बारे में जो भी अपडेट आया था उसके चलते, उसके बाद क्यों डाउन ट्रेंड आया है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और हम लोग को पता है कि कुछ दिन से जो स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका था, लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा था। और आज का अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक रिलायंस कम्युनिकेशन पे कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ अपडेट्स भी नहीं है। और अनिल अंबानी जी ने जो है ऐसा कुछ अनिल अंबानी जी के बारे में अपडेट्स भी नहीं है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के को लेके जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अभी का इन्फॉर्मेशन, आज का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस की बात करते, तो स्टॉक ओपन हुआ था 1.35 पैसे में, 1.35 रुपीज़ में। हाई प्राइस दिया है 1.40 पैसा। तो आप देख सकते हैं हाई प्राइस जो है 1.40 रुपीज़ दिया है, तो मतलब स्टॉक ओपन होने के बाद लगभग जो यहाँ पे सिर्फ 5 पैसे का ही जो हाई प्राइस दिया है। उसके बाद अगर बात करते तो यहाँ पे 5 पैसे का जो है एक रिटर्न दिया है, लो प्राइस देख सकते 1.35 पैसा ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग खरीदारी करते हैं या फिर जो है यहाँ पे सेल करते हैं तो बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं कि सोच के लेना पड़ेगा। और हम लोग बहुत दिन से आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हम लोग का जो ओवरव्यू था, फिलहाल ये स्टॉक में नया खरीदारी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने स्टॉक लेके रखा है, अगर आप एक अच्छा या फिर थोड़ा बहुत भी जो है प्रॉफिट में ये स्टॉक को लेके, तो आप बेच सकते हैं। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है। और अगर आपको अभी प्रॉफिट लेना है ये स्टॉक में तो दोस्तों ये टोटली जो है आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, मतलब आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉस में है तो आपको बेचना चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग भी इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, क्योंकि जो स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आरकॉम का ओनर है मिस्टर अनिल अंबानी जी, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों ने देखा है आरकॉम से जो है एक लोअर सर्किट लगा हुआ था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक जो हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है कि जो है एक अच्छा जो है हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज में बात करते तो 3.70% का जो अभी रिटर्न दिया है, अमाउंट बात करते तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता है स्टॉक में रिटर्न। तो चलिए अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक के बारे में।
रिलायंस कम्युनिकेशन के यहाँ पे अगर 3 साल से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 3 साल से स्टॉक ने 91.61% का जो है लॉस दिया है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है रिलायंस कम्युनिकेशन ने लॉस दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 1 साल का अगर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का भी हम लोग देख लेते हैं, 1 साल में अगर देखते हैं तो 86.49% का जो यहाँ पे रिटर्न देखता बनता हुआ दिख रहा है। एंड 1 मंथ का भी अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 1 मंथ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 35.81% का लॉस दिया है। तो यहाँ पे जो है कुछ दिन से स्टॉक ने जो है रिलायंस कम्युनिकेशन जो है इन्वेस्टर्स को लॉस दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 वीक का ये बात करते हैं तो 2.13% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पे ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल कि जहाँ पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा एक रिटर्न दे दे इन्वेस्टर्स को, या फिर बहुत एक अच्छा यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिले इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग ने थोड़ा जो है रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में शेयर होल्डिंग वगैरह देखा है कि किसके पास कितना शेयर है। और यहाँ पे अगर बात करते तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास जो है, या फिर यहाँ पे अगर देखते हैं प्रोमोटर्स के पास सिर्फ जो है दोस्तों 5.20% का स्टेक है, सिर्फ 5.20% का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अदर इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बाकी भी यहाँ पे अगर देखते हैं प्राइवेट या फिर अदर्स के पास 0.8% का स्टेक जो है सिर्फ देख बनता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर स्टॉक जो है पब्लिक के पास है, 89% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। तो प्रोमोटर्स के पास उतना कोई स्टेक है ही नहीं रिलायंस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि किसके पास कितना स्टेक है उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग का जो है इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने थोड़ा और अच्छी तरह से निकाला है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है मिस्टर यहाँ पे जो है कोकिला डी अंबानी, उनके पास 0.17% का स्टेक है। अनिल डी अंबानी, मिस्टर अनिल अंबानी जो इसका ओनर है, उनके पास सिर्फ जो है 0.07% का स्टेक है। टीना ए अंबानी 0.06% का स्टेक है। जय अनमोल 0.06% का स्टेक है। जय अंशुल अंबानी, इनके पास कोई भी स्टेक नहीं है रिलायंस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे अगर बाकी जो है एनी अदर में देखते हैं तो रिलायंस ओनर्स एंटरप्राइजेस एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.33% का स्टेक है। रिलायंस कैपिटल के पास भी रिलायंस कम्युनिकेशन का 1.017% का स्टेक है। तो यहाँ पे रिलायंस विंड के पास 0.31% का स्टेक है। तो बहुत सारे जो है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स है जो छोटा छोटा स्टेक यहाँ पे लेके रखे हैं। तो यहाँ पे जो रिलायंस के ओनर है उनके पास बहुत ही कम यहाँ पे स्टेक देखते बन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यह बहुत ही मुश्किल है दोस्तों अभी ये कहना कि अगर आप स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग का जो ओवरव्यू है कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है कुछ दिन से गिरावट देखने को मिला था, लोअर सर्किट बनता हुआ दिख था, और अभी कुछ अपडेट नहीं है फिर भी स्टॉक में थोड़ा बहुत अपडेट बनता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पे हमेशा अगर आपने स्टॉक लिया है तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कुछ भी अपडेट्स आता है तो उसके बारे में जो है अच्छी तरह से एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के ओनर जो है मिस्टर अनिल अंबानी, इनके बारे में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से भी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो शायद से आपको थोड़ा उसमें फ़ायदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखते तो रिलायंस कम्युनिकेशन पे जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले ग्राफ में भी देखा है, आज थोड़ा बहुत यहाँ पे जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि मजबूती दिख रहा है, बट ये जो है हम लोग बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक पे। तो दोस्तों वीडियो के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में थोड़ा आपको जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स के बारे में भी जो अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और यहाँ पे अभी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में क्या चल रहा है आपके द्वारा आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल फिनो इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।